रोमियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री दूसरा अध्याय। सो हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों न हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है आप ही वही काम करता है। और हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। और हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप वे ही काम करता है, क्या यह समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? और क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? पर अपनी कठोरता और हठीले मन के अनुसार उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने निमित्त क्रोध कमा रहा है। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में हैं, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा, और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदी पर फिर यूनानी पर। पर महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है, पहले यहूदी को फिर यूनानी को, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। इसलिए कि जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया वे बिना व्यवस्था के नाश भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा, क्योंकि परमेश्वर के यहां व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास न होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था हैं। वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं, और उनके विवेक भी गवाही देते हैं, और उनकी चिंताएं परस्पर दोष लगाती या उन्हें निर्दोष ठहराती हैं। जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा, यदि तू यहूदी कहलाता है और व्यवस्था पर भरोसा रखता है और परमेश्वर के विषय में घमंड करता है और उसकी इच्छा जानता और व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता है और अपने पर भरोसा रखता है कि मैं अंधों का अगुआ और अंधकार में पड़े हुओं की ज्योति और बुद्धिहीनों का सिखाने वाला और बालकों का उपदेशक हूं और ज्ञान और सत्य का नमूना जो व्यवस्था में है मुझे मिला है, सो क्या तू जो औरों को सिखाता है अपने आप को नहीं सिखाता? क्या तू जो चोरी न करने का उपदेश देता है आप ही चोरी करता है? तू जो कहता है व्यभिचार न करना, क्या आप ही व्यभिचार करता है? तू जो मूर्तों से घृणा करता है, क्या आप ही मंदिरों को लूटता है? तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है, क्या व्यवस्था न मानकर परमेश्वर का अनादर करता है? क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है, जैसा लिखा भी है, यदि तू व्यवस्था पर चले तो खतने से लाभ तो है, परंतु यदि तू व्यवस्था को न माने तो तेरा खतना बिन खतना की दशा ठहरा। सो यदि खतना रहित मनुष्य व्यवस्था की विधियों को माना करे तो क्या उसकी बिन खतना की दशा खतने के बराबर न गिनी जाएगी? और जो मनुष्य जाति के कारण बिन खतना रहा यदि वह व्यवस्था को पूरा करे तो क्या तुझे जो लेख पाने और खतना किए जाने पर भी व्यवस्था को माना नहीं करता है दोषी न ठहराएगा? क्योंकि वह यहूदी नहीं जो प्रगट में यहूदी है, और न वह खतना है जो प्रगट में है और देह में है, पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, न कि लेख का। ऐसे की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है।